हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। आज इस कपड़े में से मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बताने वाली हूं, जिसके लिए मुझे बहुत ही सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो ये है लाइनिंग का कपड़ा। सबसे पहले मैं लाइनिंग के कपड़े पर निशान लगाऊंगी, फिर मैं जो साड़ी वाला कपड़ा है उसमें से कट करूँगी। 6 इंच का मैंने तीरा ले लिया है, 6.5 इंच कंधे लिए हैं मैंने। सभी के लिए मैं 6.5 इंच कंधे लेती हूँ। चेस्ट का 4+1 यानी 9 चौक 36+1 10 इंच, 36 चेस्ट का मैं बना रही हूँ। ये मैंने ले लिया है, ऊपर से 0.5 इंच नीचे कम रखा है, यानी नीचे 9.5 रखा है। ये 2 इंच का मार्जिन, ये फ्रंट हिस्सा, फोल्ड वाला हिस्सा मैंने लगाया है फ्रंट का। ये ओपन रहेगा बैक वाला हिस्सा। 6 इंच तीरा लिया है, 6.5 इंच कंधे ले लिए हैं, और चेस्ट का 4+1 लिया है, 9 चौक 36+1। जिसकी भी जितनी चेस्ट है उसका 4+1 लेना है। लेंथ मैंने 15 रखनी है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख ली है, 17 17.5 रख लीजिए आप। नीचे की तरफ भी 0.5 इंच शेप देते हुए, 2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसको निशान लगा लिया है। ये देखिए, 2 गोलाई मैंने की हैं। एक बार और बता देती हूँ, तीरे 6 6.5, चेस्ट का 4+1, ऊपर से 0.5 इंच नीचे कम। ये हो गया फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। 17 इंच 17.5 इंच लेंथ है, चेस्ट का 4+1 है, और ये 3 इंच चौड़ा नेक है, 3 इंच और 11 इंच लंबा नेक। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसको कट कर लेती हूँ। फ्रंट के जो हैं हमें 2 हिस्से चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम कैसे निकालेंगे। ये मैंने लाइनिंग भी आप अच्छी वाली लीजिए, ये हमारा बैक हो गया है। अब फ्रंट जो फोल्ड हिस्सा होगा, तो यहाँ एक पीस और हमें निकालना है, क्योंकि हम पैड वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक और फ्रंट निकाल लिया है। पैडेड ब्लाउज के लिए मुझे बहुत ही सारे कमेंट आ रहे थे, तो वीडियो तो काफ़ी पहले बन चुकी थी, पर मुझे डालने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था फेस्टिवल की वजह से, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी आने में लेट हो गई। ये हो गया, ये हमारा फ्रंट 2 हिस्से हो गए, बैक हमारा ये हो गया है। अब हम इनको दोनों को एक साथ रखेंगे, और फिर हम अपने जो साड़ी वाला कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये वैसे नीचे आता है, पर लेकिन मैं इस जो एम्ब्रॉयडरी को है इसको ऊपर लाने वाली हूँ। अगर नीचे कमर की तरफ लाऊंगी तो ज़्यादा दिखेगी नहीं, तो इसीलिए मैं इसे ऊपर कंधे की तरफ लाऊंगी, जिससे कि ये ब्लाउज और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो दोनों पीस मैंने रख लिए हैं, और मैं इसको इसके ऊपर रख कर कट कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिए हैं फ्रंट के, और थोड़ा थोड़ा सा कन्नी को काटते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मार्जिन नहीं लेना है, मार्जिन हम ले चुके हैं इसमें पहले ही। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। आप चाहें तो ये डिज़ाइन को बैक पे भी ला सकते हैं, स्लीव्स पे भी ला सकते हैं, पर जैसे मैंने ये ब्लाउज बनाया आप लास्ट में देखना, काफ़ी अच्छा ये लगा है। यहाँ से हम बैक हिस्सा निकालेंगे और स्लीव्स निकालेंगे, तो ये हमारा बैक आ जाएगा। तो मैं आपको बता दी कि फ्रंट वाले हिस्से को आपको कैसे कट करना है। 36 चेस्ट के लिए 4 इंच पर एक निशान लगा लीजिए, ऊपर भी 4 इंच पर एक निशान लगा लीजिए, और एक पूरी लाइन लगा दीजिए। ऊपर से 11 इंच पर एक निशान लगाइए, जैसे हम डॉट लगाते हैं ब्लाउज में। अब इस निशान को गोलाई देते हुए जो हमारी कंधे का सेंटर है वहाँ से मिलाना है, ऐसे देखिए 4 इंच की दूरी रहनी चाहिए इसमें, और इस निशान की गोलाई मैंने कर दी है। यहाँ से अब जहाँ पर हमने बिल्कुल पॉइंट लगाया था 11 इंच पर, यहाँ से 0.5 इंच दोनों तरफ हमें कट करना है दोनों तरफ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, बीच से मैं इसको बिल्कुल, ये जो ऊपर वाला निशान है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ये मैंने सेंटर से कट कर दिया है। और कट करने के बाद 0.5 इंच मुझे यहाँ से कट करना है, और 0.5 इंच बीच वाले हिस्से से कट करना है। ये देखिए,
ये हो गया है हमारा। जब इसकी सिलाई होगी, स्टिचिंग होगी, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ा सा स्टिचिंग करने में परेशान हो जाते हैं लोग कि गोलाई सही से नहीं सेट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये कपड़ा बचा है मेरे पास थोड़ा सा ही, इसी की छोटी छोटी सी स्लिप्स मैं लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं था ये मेरे पास, 80-90 सेंटीमीटर ही था। वैसे मुझे इसकी पूरी स्लीव्स बनानी थी, पर कपड़े कम की वजह से मैंने ये छोटी ही स्लीव्स बनाई है। ये स्लीव्स में 2-2 इंच का जॉइंट आया है, यहाँ पर मैंने ऐसे लगाया। 7 इंच चौड़ाई लेकर 3 इंच की शेप करी है इस तरीके से। शेप मैं हमेशा एक ही करती हूँ, आगे की अलग और पीछे की अलग बिल्कुल नहीं करती, और मेरी स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से सेट होती है, कहीं झोल वोल नहीं आता है बिल्कुल भी। ये हो गए 4 हिस्से जो कि मैं स्लीव्स में जो जॉइंट लगेगा ये वो है। ब्लाउज़ में हमेशा स्लीव्स वगैरह में जॉइंट आ जाता है, ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जो स्लीव्स है उसकी भी लाइनिंग निकाल लेती हूँ। ये कपड़ा पड़ा है मेरे पास बचा है, जो 1.5 मीटर मैंने जो अस्तर के लिए मंगाया था, 1.5 मीटर था वो कपड़ा, और 80 सेंटीमीटर था तो साड़ी का कपड़ा है। क्योंकि वो 1.5 मीटर इसलिए मंगाना पड़ा क्योंकि फ्रंट 2 निकाले हैं मैंने, इसीलिए 1.5 मीटर चाहिए ही हमें लाइनिंग। ये हम कट कर लेंगे, अब हम इसको साइड में रख देंगे, बाद में जो कच्चा वच्चा करते हैं हम इसको। अब जैसे ये हमारे जो फ्रंट का हिस्सा है सबसे मेन, ये इसमें सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको ऐसे रखना है, और ये दोनों पीसीस हमारे हो गए हैं। अब ये डिज़ाइन वाला है तो मुझे इसे डिज़ाइन को मिलाते हुए सिलाई लगानी है, ऐसे रखना है और डिज़ाइन को मिलाते हुए सिलाई रखना है। ये थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खींच के, ज़्यादा खींच के सिलाई नहीं लगानी है। ये एक एक लाइनिंग मैं इसके साथ रख लूँगी ऐसे, और इसके भी साथ रखूँगी, और पूरा कच्चा कर लूँगी। ये जो जॉइंट आप नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं इसको रखकर, और ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं। ये मैं बीच में भी लाइनिंग लगा देती हूँ, और पूरे पीसीस को अलग अलग करके मैं कच्चा करने के बाद फिर मैं इन जॉइंट को जोड़ दूँगी। ठीक है, खींचना नहीं है जब भी जॉइंट लगाने हैं। ये मैंने इस तरीके से जो अलग से हिस्सा है, मतलब 2 पार्ट थे ना, उसमें से ये वाला पार्ट है, इस पर एक ये मैंने चिपका दिया है, सिलाई भी लगा दी है अच्छे से। तो ये तैयार होने के बाद 7.5 इंच रहना चाहिए बीच का हिस्सा, 7.5 इंच रहना चाहिए 36 चेस्ट के लिए, 38 चेस्ट के लिए। तो ये 2 पार्ट हमारे हो गए हैं, ये देखिए ऊंचा नीचा हो गया थोड़ा सा, पर कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही कंधे थोड़े से फालतू लिए थे, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो थोड़े बहुत आप तीरे फालतू ले सकते हैं। अब मुझे ऊपर ऊपर सिर्फ सिलाई लगानी है, देखिए नीचे नहीं लगानी है। सबसे पहले ये मैंने ऊपर ऊपर सिलाई लगा ली, कंधे पर, तीरे पर, सिर्फ वहाँ पर, नीचे कमर साइडों में नहीं लेकर आई हूँ सिलाई, कमर पर नहीं लेकर आई हूँ, ऐसे आधे तक लगा दी मैंने। अब मैं क्या करूँगी, पहले गला भी बना सकती हूँ और फिटिंग भी मतलब पैड भी लगा सकती हूँ, पर अब मैं आपको पहले पैड ही बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 11 इंच पर मैं लगाऊँगी ऊपर से निशान, एक पॉइंट पर लगा दूँगी मैं, और 11 इंच लगाऊंगी मैं इधर, जैसे हम डॉट लगाते हैं बस ऐसे ही पैड लेना है, बिल्कुल सेंटर पर रखकर यहाँ देखना है कि ये बिल्कुल सही ऐसे लग रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप ऊंचा नीचा इसको कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पर मैं 11 इंच पर लगाती हूँ, बिल्कुल सही आता है। सेंटर निकालिए इसका भी, ये इस तरीके से रखिए, और यहाँ पर सिलाई लगानी है, एक लंबी सिलाई लगाते हुए इसको रख देना है, सेट कर देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगाकर सिलाई, ये हो गया। उससे पहले मैं गला कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पट्टी ही लगानी है, बुकरम वगैरह नहीं लगानी है, तो पहले मैं गला ही बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं पैड लगाऊँगी। मैं वैसे सभी ब्लाउज़ों में ऐसा करती हूँ। तो मैंने 3 इंच चौड़ाई की है और 4.5 इंच लंबाई की है, बोट नेक ही बनाया है मैंने, और पट्टी लगा कर ही मैं इसको फिनिश करने वाली हूँ। आपको गला बनाते हुए और पैड लगाते हुए जो दोनों कट हैं उनका विशेष ध्यान रखना है कि वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। कंधों को भी काट कर हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं,
ये देखिए, अब इसको मैं फिनिश कर लूंगी। ये हो गए हमारे पैड बिल्कुल सेंटर में रखकर, और मैं सिलाई लगा लेती हूँ दोनों हिस्सों पर। पहले आप पिन से भी इसको सेट कर लेते हैं और ऊपर नीचे भी एक एक निशान लगा दीजिए, जिससे कि आपका पैड इधर उधर नहीं हिले। ये देखिए, मैं निडल की उससे इसमें हल्का सा निडल को फंसा देती हूँ। जैसे आप थोड़ा सा टाका भी लगा दीजिए, पर एक सिलाई ज़रूर लगाइए। अगर खाली टाका लगा देते तो पूरा पैड घूम कर धुलने पर बेकार हो जाता है। ये मैंने लगा दी है, गला भी मैंने फिनिश कर दिया है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। ये ऐसे मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कि देखिए, ना कोई झोल आएगा ना कुछ आएगा, और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। कई बार झोल आ जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरीके से पैड लगाएंगे तो। ये देखिए, लेंथ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम बैक वाले हिस्से को भी फिनिश कर कर जो है कंधे बंधे लगा लेंगे। सिलाई हमेशा इस सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए, पैड की जो सिलाई है। ये देखिए, ये सिलाई लगाने से पूरा ये घूमेगा नहीं, ठीक है, और फिटिंग भी अच्छी आएगी। ये मैंने नीचे से मोड़ भी दिया है लेंथ में। अब मैं इसका जो बैक वाला हिस्सा है वो रेडी कर कर लगाऊंगी, फिर मैं आपको फिटिंग करना सिखाऊंगी कि कैसे फिटिंग करते हैं। ये मैंने बैक वाला हिस्सा भी लगा दिया है, गोल ही गला फिनिश किया है। मुझे कोई डिज़ाइन विज़ाइन का गला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, नेट की स्लीव्स वगैरह तो मुझे पसंद है, बट इसकी मैंने छोटी छोटी स्लीव्स ही बनाई है। तो आप ओपन स्लीव्स भी लगा सकते हैं, और जैसे फिटिंग करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है बैक और फ्रंट। अब हम करेंगे इसकी फिटिंग। स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली है, देखिए बस इसी तरीके से लगाना है सेंटर से स्लीव्स को, और ऐसे मोड़ना है, और ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाएंगी। उससे पहले हम लगा लेते हैं फिटिंग का निशान। तो ये हो गया हमारा, इसका सेंटर निकालेंगे हम। फिर चेस्ट का फोर ही रखना है आपको, प्लस भी नहीं करना है। अगर आपका डीप नेक है तो, अगर डीप नेक नहीं है तो प्लस आधा करना है। ये हो गया हमारा, चेस्ट का फोर ही मैंने लिया है, यानी नो है तो 36 चेस्ट है तो चेस्ट का फोर नो आएगा, तो नो ही मैं लूँगी क्योंकि डीप नेक है। आप मेरी बात को समझिए, अगर डीप नेक होगा तो उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो ये मैं कुछ भी प्लस नहीं कर रही हूँ, 18 रख रही हूँ, और नीचे जितनी हमारी वेस्ट है उसका मैं हाफ रख रही हूँ। जितनी भी हमारी वेस्ट है यानी 32 है, तो 8, 16 फ्रंट 16 बैक ऐसे रखना है। ये हमारी फिटिंग हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद हम लगाएंगे स्लीव्स। और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लुक, कितना ब्यूटीफुल ये ब्लाउज बना है।